हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले नुस्खे बाई पारस की पिगमेंटेशन क्रीम का जो है रिव्यू शेयर किया था, आप लोगों ने काफी पसंद किया। आज मैं आपको इसे यूज करना बताऊंगी, सही तरीके से इसे कैसे यूज करना है अगर आपको पिगमेंटेशन है तो वीडियो में बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आने वाला हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाएगा। और आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके साथ मैंने कॉम्बो मंगाया था, आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसके साथ फेस वॉश आया है और एक ये पैक आया है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने मंगाई थी क्योंकि मुझे पिगमेंटेशन है और मैं पिगमेंटेशन से काफ़ी टाइम से परेशान हूँ, लेकिन मुझे जो रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो मैंने काफ़ी होप करके इसको मंगाया था बट मुझे इतना वर्क नहीं किया। तो अब ये जो मंगा लिया है इसको मैं इस्तेमाल तो कर ही रही हूँ, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी चीज़, कुछ लोग इसे इस्तेमाल कर भी रही हूँ, कुछ लोगों पर वर्क करती है, कुछ पर नहीं करती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, आपका वेदर ले सकते हैं, आपका खाना पीना ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट भी करती हैं। स्किन टू स्किन डिपेंड भी करता है, बॉडी टू बॉडी। तो हो सकता है शायद मुझे नहीं कर रही हो, आपको कर रही हो। और तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्रीम है जो काफ़ी ज़्यादा आती है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी क्वांटिटी में है ये, और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आप इसकी ओरिजिनल साइट से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसको थोड़ी सी सस्ती मिलेगी क्योंकि वहाँ पे कोड मिल जाता है, वो भी वन टाइम के लिए है। और ये जो क्रीम है काफ़ी सारी है और काफ़ी महीने ये चल सकती है। लेकिन अगर आपको पिगमेंटेशन है तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है? पिगमेंटेशन के इस्तेमाल करने के लिए आपको क्वांटिटी है थोड़ी ज़्यादा लेनी होगी, यानी कि जब हम नॉर्मली यूज़ करते हैं तो एक मटर के दाने के बराबर हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं, बस ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन इस क्रीम को अगर आपको पिगमेंटेशन है तो थोड़ी ज़्यादा लेनी है, यानी कि दो तीन मटर के बराबर आपको ये क्रीम लेनी है। और आपको इस तरीके से इसे लगाना है तब तक जब तक क्रीम पूरी अंदर स्किन के अंदर ना चली जाए, क्योंकि मैंने ऐसा किया था लेकिन मेरे स्किन पता नहीं ऑयली ज़्यादा है, ऑयली तो है ही एंड थोड़ी सेंसिटिव भी है, तो क्रीम अंदर जाती नहीं और वो चिपचिपापन जो फील होता है वो बहुत ही इरिटेट करता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, फीलिंग अच्छी नहीं आती है। तो मैं इसको ओनली सर थोड़ी सी इस्तेमाल करती हूँ, हल्की सी लगा के। तो ये भी हो सकता है, मैंने खूब कोशिश करी थी सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा लगाने की, बट अभी तो गर्मी आ गई तो अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि इतनी सारी क्रीम में लगाई जाए, क्योंकि ये स्किन के अंदर बहुत जल्दी जाती नहीं है। तो इसको इस्तेमाल करना है और वीक में इसे आप दो बार इस्तेमाल करें। ये है पैक, पैक को इस्तेमाल करने का तरीका सेम ही है, जैसे पैक लगाते हैं वैसे ही नॉर्मली आपको इसे लगाना है। धो के आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आप इसे शाम के टाइम लगाइए, और शाम के टाइम लगाएंगे तो आप इस क्रीम को वॉश करके आप इस क्रीम को लगा सकते हैं। दो टाइम आप इसे फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए। ये है बहुत ही हर्बल है क्योंकि फोम नहीं देता है बिल्कुल भी। हम लोगों को ज़्यादातर फोम की आदत होती है कि हमें लगता है कि शायद डर्ट वगैरह सारी अच्छे से निकल रही है, बट ऐसा नहीं है, ये भी क्लीन तो काफ़ी अच्छे से करता है। और इसे दो टाइम इस्तेमाल करना है। अगर आपको कोई भी रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो आके देखते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि वो कितना वर्क कर रहा है, क्रीम कितनी वर्क कर रही है, कितने लोगों पे की है या नहीं की है। तो प्लीज़ आप ज़रूर अपना कमेंट है जो मेंशन करें उसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने तो इसे थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि स्किन मेरी ऑयली है और ऑयली स्किन पे ये बहुत ज़्यादा चिपचिपापन देती है, और इसीलिए मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया, कम कम करती हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा।